हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव पाठक आप सबका आपके अपने चैनल टाइमेक्स स्टडी जोन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता ही है कि आपको हम रेगुलरली जो है एसएससी, बैंक, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, टेट, टीजीटी, पीजीटी, इन सब को ध्यान में रखते हुए एक कॉम्प्रेहेंसिव मॉडल पेपर्स हल करवाते हैं। और ये जो क्वेश्चन हैं इनके हम आपको पूरे कॉन्सेप्ट यहां देते हैं, उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको बताते हैं। तो बस आप लोग जो हमारी इंग्लिश की वीडियोस है उसको आप लोग शुरू से अब तक देखें, उसको लाइक करें, और आपका छोटा सा जो मोटिवेशन है हमारे एक बड़े हेल्प का काम करता है, और वो है आपकी शेयरिंग और आपका जो अपना सब्सक्रिप्शन है। तो आप हमारे इन क्लासेस को लगातार देखते रहें, बेनिफिटेड होते रहें, और इसे आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, और इसके सब्सक्रिप्शन को आपको बढ़ाएं, क्योंकि आपका जो सब्सक्रिप्शन है और आपका जो एक हेल्प होता है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा एक तरह से मोटिवेशन का काम करता है। तो चले देखते हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं और जो आपके क्वेश्चंस हैं वो दोनों ही। अब यहां पे आपको जो idioms phrases हैं उनकी आपको मीनिंग फाइंड आउट करनी है। देखिए, जब भी idioms के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं तो सेंटेंसेस जहां दिए होते हैं बहुत हद तक वो जो सेंटेंसेस हैं वो खुद ही मीनिंग को बताते हैं। जैसे देखें, दिया है द मैनेजर डॉक्टर द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। तो जो डॉक्टर द अकाउंट होता है वो होता है कि जब आप अकाउंट्स में कुछ मैनिपुलेशन करते हैं, कुछ अपने आप इधर उधर उसमें कुछ लिखते हैं वो होता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी टू मैनिपुलेट The accounts, to make changes in account books नहीं होगा। Account books में changes करना वो तो positive ही हो सकता है, लेकिन जब आप उसमें कुछ manipulation कर देते हैं, पता चले कि 5000 रुपए खर्च हुए हैं, आप उसको 6000 बना दे रहे हैं, तो उसमें कुछ इस तरह से जो manipulation करते हैं वो जो है कहलाता है doctor। अब देखें, जब आप कोई document नकली बनाते हैं तो फोर्ज डॉक्यूमेंट होता है या फिर सिग्नेचर होता है, इससे का भी क्वेश्चन आया है। तो इस तरह से जब किसी अकाउंट्स बुक को आप जो है उसमें कुछ हेरा फेरी करते हैं तो वो मैनिपुलेट करते हैं, तो उसको बोला जाता है डॉक्टरिंग द अकाउंट। चलें अब हम नेक्स्ट देखते हैं। She could never measure up to her parents' expectation. तो भाई, माता पिता के एक्सपेक्टेशन पे क्या होता है, एक्सपेक्टेशन तक पहुंचा जाता है, ठीक है। तो यहां पे वर्क एज हार्ड का कोई मतलब नहीं है। असेस द अमाउंट, किसी अमाउंट का असेसमेंट करना, मूल्यांकन करना, यहां भी इसका कोई मतलब नहीं है। हाइट का तो कोई रिलेशन ही नहीं होता है, यानी उस लेवल तक पहुंचना। She could never reach the level up to her parents' expectation. यानी जो माता पिता का expectation था, उस स्तर तक वो नहीं पहुंच सका कभी भी। तो correct answer will be A. तो इसको एक और measure up to expectation होता है, measure up to expectation जो लिखा गया है, और एक होता है Live up to expectation। कई बार ये भी आया, ये तो कभी कभी लिखा जाता है, ये हमेशा लिखा जाता है Live up to expectation। Live up to expectation, किसी के expectation, ये टी है, ध्यान देना, किसी के expectation तक रहना, काम करना। जैसे You should live up to the expectation of your parents। तुम्हें अपने पेरेंट्स का जो एक्सपेक्टेशन है उसके अनुसार काम करना चाहिए। तो मेजर अप टू एक्सपेक्टेशन, लिव अप टू एक्सपेक्टेशन, जो किसी के एक्सपेक्टेशन है, जो किसी का आशा है, उस तक
काम करना चाहिए। मेजर अप टू एक्सपेक्टेशन एंड लिव अप टू एक्सपेक्टेशन। आगे देखते हैं, द लिटिल गर्ल विद हर फ्लॉलेस परफॉर्मेंस। फ्लॉ माने क्या होता है? दोष, फॉल्ट। और फ्लॉलेस माने होता है दोषहीन, परफेक्ट। जो छोटी गलती थी वो अपनी बिल्कुल परफेक्ट परफॉर्मेंस से स्टोल द शो। देखेगा स्टोल द शो, अगर किसी का परफेक्ट परफॉर्मेंस होगा तो क्या शो को चोरी कर लेगी क्या? यहां कहने का मतलब क्या कि कहते ना बिल्कुल उसने पूरे कार्यक्रम को एक तरह से अपने पक्ष में चुरा लिया, यानी कि हर आदमी की प्रशंसा पा जाना, हर आदमी की प्रशंसा पा जाना। देखिएगा स्टोल समथिंग फ्रॉम द शो, शो से कुछ चुराना ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा परफॉर्मेंस है तो चुराएगी क्या? क्रेप्ट इनटू द शो, शो में धीरे से घुस जाना, इसका भी कोई मतलब नहीं है। शो से गायब हो जाना, इसका भी कोई मतलब नहीं है। स्टील द शो मतलब होता है कि लोगों के नजरों को अपनी तरफ खींच लेना। जब आप नजर को खींचोगे तो लोगों की प्रशंसा को पा जाना, ये है won everybody's praise, यानी उसने हर व्यक्ति की प्रशंसा को पाया, जीता उस प्रशंसा को। प्रशंसा जीती तो नहीं जाती, प्रशंसा पाई जाती है। तो स्टील द शो ये है। चले अब हम आगे देखते हैं। The thief was on good terms with the police। देखिए दो ही नियम्स होते हैं, एक होता है on good terms with और एक होता है on bad terms with। on good terms with और on bad terms with। on good terms with means होता है किसी के साथ अच्छे संबंध होना, और on bad terms with माने होता है किसी के साथ खराब संबंध होना। तो चोर का पुलिस के साथ अच्छे संबंध थे। The thief was on good terms with the police। जो चोर है उसका पुलिस के साथ अच्छे टर्म्स थे। तो कैप टर्म्स एंड कंडीशन, अपने शर्तों को बनाए रखना, इसका कोई सेंस ही नहीं। फ्रेंडली, भाई किसी के साथ आपके अच्छे संबंध है तो फ्रेंडली तो होगा। फॉलो द रूल्स, नियमों को फॉलो करना, इसका कोई मतलब नहीं है। एग्रीड विद देम, किसी के साथ सहमत होना, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो टू बी ऑन, जैसे आई एम ऑन गुड टर्म्स विद रवि, यानी मेरे रवि के साथ अच्छे संबंध है, फ्रेंडली टर्म्स हैं। और ऑन बैड टर्म्स विद रवि, यानी कि मेरे रवि के साथ खराब संबंध है, बैड रिलेशन है। तो ये है कई बार पूछा जाने वाला शब्द। अब आगे देखते हैं। देखिएगा जॉन्स ऑफर ऑफ हेल्प वॉज टर्न डाउन बाय द पुलिस। देखिएगा टर्न डाउन, ये आपका फ्रेजल वर्ब है, इसके माने होता है रिजेक्ट करना। पिछले हमने सेशन में आपको बताया था टर्न अप। टर्न अप माने होता है कि कहीं पे उपस्थित होना, प्रेजेंट, कहीं पे उपस्थित होना। टर्न ऑफ माने होता है बंद कर देना। टर्न ऑन, किस चीज को खोल दे रहा है, दोनों एंटोनिम है। तो ये वर्ड और ये वर्ड कई बार पूछे जाने वाले वर्ड है। जॉन्स ऑफर ऑफ हेल्प, जॉन का जो ऑफर था मदद का, उसे पुलिस के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, रिफ्यूज कर दिया गया। करेक्ट आंसर इज सी। सेंड बैक का कोई मतलब नहीं है, वापस भेजना, ट्विस्ट अराउंड का कोई मतलब नहीं है, हैंड ओवर तो सुपुर्द करना होता है, इसका भी ये मीनिंग नहीं है। चले अब हम आगे देखते हैं। अब यहां पे कुछ एरर्स हैं और उस एरर को आपको फाइंड आउट करना है। ये एरर है, डिड देयर बस कम ऑन टाइम। अब ध्यान दें, इसको इंप्रूव करना है। आप जानते हैं कि देयर मींस होता है अपना, ये दे का पजेसिव केस है, प्लूरल का पजेसिव केस है, और देयर मींस होता है वहां। अब यहां पे क्या क्या या अपना भी होता है और उनका भी होता है, दोनों होता है। तो क्या वहां बस समय पे आई, वहां बस थोड़ी होता है, कोई बस का वहां का क्या मतलब है? क्या उनकी बस समय पे आई? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देयर,
Did their bus come on time? क्या उनकी बस समय पर आती थी? क्या उनकी बस समय पर आती थी? क्योंकि their their वो उनका और अपना दोनों सेंस में इस्तेमाल होता है। चलें अब आगे देखें। अब यहां पे आपको फाइंड आउट करना है क्या हो सकता है। अब देखें, फॉर द लास्ट वीक्स आपको पता है कि जब सिंस या फॉर आता है तो जनरली जो है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है, लेकिन परफेक्ट टेंस में भी हो सकता है। जैसे आई हैव वेटेड हिम सिंस यस्टरडे, मैंने कल से उसका इंतजार किया है। आप ये भी कह सकते हैं कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस यस्टरडे, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ज्यादा परफेक्ट है, क्योंकि यहां पे फॉर समय दिया है। तो ऐसी दशा में मयंक वॉज वर्किंग ओवर टाइम फॉर द लास्ट टू वीक्स, तो दो सप्ताह से ओवर टाइम काम कर रहा था। देखिए, दो सप्ताह से काम कर रहा था, तो दो सप्ताह से काम कर रहा है, यहां पिछले दो सप्ताह की बात कर रहे हैं। पिछले दो सप्ताह मतलब हो गया कि अब से लेके पिछले, तो जाहिर सी बात है वॉज वर्किंग का कोई मतलब ही नहीं है, हो जाएगा हैज बीन वर्किंग। जब भी लास्ट होता है, ये आप ध्यान दें कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, ध्यान देना। अगर लास्ट ना होता तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता, लेकिन जब लास्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि तब से अभी तक काम कर रहा है। आगे देखिए, यहां पे इसमें देखा जा रहा है क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। हर मॉर्निंग 4 बजे मैं उठता हूं, बट टुडे आई गेट अप, यहां नहीं, यहां पे आपको फाइंड आउट करना है, ये नहीं, एक्चुअली में ये अंडरलाइन होना चाहिए या अलग कलर में होना चाहिए, लेकिन वो चीजें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक रही, कोई बात नहीं। हर मॉर्निंग मैं 4 बजे उठता हूं, लेकिन आज 7 बजे, ध्यान दें, आप हिंदी में सोचे, हर सुबह मैं 4 बजे उठ जाता हूं, तो 4 बजे उठ के थोड़ी बोल रहे हो कि मैं उठाऊं, लेकिन आज मैं 7 बजे उठता हूं या उठा, जाहिर सी बात है जिस समय आप बात कर रहे हैं ये उसके पहले की बात है। तो हिंदी में भी आप बोल सकते हैं कि मैं 4 बजे उठता हूं, लेकिन आज मैं 7 बजे उठा, तो जाहिर सी बात है जब आप बोल रहे हैं आज की तो बात है, लेकिन आज का पास्ट हो चुका है 4 बजे, 7 बजे। अगर आप 9 बजे बात कर रहे हैं तो 7 बजे की बात 9 बजे के लिए पास्ट हो जाती है। पास्ट का यह मतलब नहीं होता है कि वो कल ही हो। अगर मैं कहूं कि मैं यहां 1 बजे आया था, और फिर आप कहीं किसी से मिल गए, तो आप बोलोगे कि आई वेंट देयर एट 1 o'clock। तो क्यों? क्योंकि मैं 1 बजे, जब मैं उससे 2 बजे मिल रहा हूं तो मैं 1 बजे की बात कर रहा हूं, तो वो भी उसके लिए पास्ट हो गया। पास्ट का यह मतलब नहीं होता है कि उस दिन की बात हर चीज प्रेजेंट परफेक्ट हो। प्रेजेंट परफेक्ट तब होता है जब उसी जगह उस चीज का प्रभाव आए। जैसे मैं यहां पे हूं और कोई आ रहा है, तो मैं कहूंगा कि आई हैव वेटेड फॉर यू फॉर 2 hours, मैंने 2 घंटे तुम्हारा इंतजार किया है, यानी कि 2 घंटे से अभी तक मैं इंतजार कर ही रहा हूं, वो है। लेकिन उठने का काम तो समाप्त हो गया ना, उठना कोई ऐसा तो है नहीं कि लगातार उठा ही जा रहा हूं, तो उठने का काम 2 घंटे पहले हो चुका है, तो 2 घंटे पहले मतलब पास्ट हो चुका। तो इसीलिए, और हिंदी में भी आप समझ सकते हैं, हर सुबह मैं 4 बजे उठता हूं, लेकिन आज मैं 7 बजे उठा, करेक्ट आंसर इज गॉट अप। तो ऐसा नहीं कि अगर टुडे है तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, जी नहीं। अगर आज ही 2 काम हो रहे हो और उसमें समय अंतराल हो, और मैं बाद वाले अंतराल में पहले वाले अंतराल की बात करूं और कोई कंटिन्यूटी न बनी रहे, तो ऐसी दशा में वो उसी के लिए पास्ट हो जाता है। चलें आगे देखें। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट चिल्ड्रन आर लाइकिंग आइसक्रीम। ध्यान दीजिए, ज्यादातर वो चीजें जो एक्शन की जाएं,
हाथ से की जाए, जो एक्शन में की जाती है, जैसे आई एम राइटिंग द लेटर, आई एम टीचिंग यू, ये एक्शन है। लेकिन जो आपकी इमोशन से रिलेटेड चीजें होती हैं, आपकी इमोशन से रिलेटेड चीजें होती है, वो एक्शन नहीं होती है, वो अंदर चल रही होती है। तो लाइक, डिसलाइक, लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, लव, हेट, ये सारी इमोशंस हैं और ये कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होंगे, ये हमेशा जो है इंडेफिनिट में लिखे जाएंगे। हेट पे कई बार आया है, हेट पे भी आया है कई बार, ठीक है। और लाइक पे भी आया है, यही नहीं, सलाह देना तो एडवाइस भी है उसी कैटेगरी में, एडवाइस भी उसी कैटेगरी में है। एडमायर, क्योंकि ऐसे काम नहीं जो एक्शन से किए जा रहे हो, प्रेज, लेकिन आप लाइक, डिसलाइक और हेट इन पे ध्यान देना, क्वेश्चंस इनके आते हैं, ये सारे के सारे हमेशा इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं, क्योंकि जो इमोशंस की चीजें होती हैं, वो जो है हाथ से नहीं की जाती है, वो भाव के अर्थ में होती हैं, तो ये हमेशा जो है इंडेफिनिट में होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, आप लाइक और हेट पे ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ज्यादा चीज चिल्ड्रेन आइसक्रीम पसंद करते हैं, और वैसे भी जो हैबिचुअल चीजें, जो हैबिट बताता है, वो इंडेफिनिट में होता ही होता है। दोनों तरह से आप देख सकते हैं, क्योंकि चिल्ड्रेन है तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, लाइक हो जाएगा। चले अब आगे देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। देखिए, सपोजिंग एक कंजक्शन की बात है, सपोजिंग दैट इफ, ये सब यदि के भाव में आता है, किसके भाव में आता है, यदि के भाव में आता है, या तो अकेले सपोजिंग का यूज करिए, या तो सपोजिंग दैट का यूज करिए, या इफ का यूज करिए, कभी भी सपोजिंग इफ का यूज नहीं हो सकता है, इफ अकेला रहेगा, इफ अकेला रहेगा, और सपोजिंग कर रहे हैं तो केवल अकेले सपोजिंग करें या सपोजिंग दैट लगाएं, ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। सपोजिंग, सपोजिंग दैट, इफ, ये होता है, सपोजिंग अकेले भी हो सकता है, सपोजिंग दैट के साथ भी हो सकता है, लेकिन कभी सपोजिंग इफ के साथ नहीं हो सकता है, ये सारी चीजें ध्यान दें। तो आप देख रहे हैं कि आपको जो भी चीजें पढ़ाई जा रही है उसके आसपास की चीजें आपको बताई जा रही है, तो बस आप, मैं अपनी तरफ से अपना काम कर रहा हूं, बस आपसे एक हेल्प चाहता हूं, जो मैं बार बार आपसे कहता हूं कि ये जो मैं इतनी मेहनत के साथ आपके लिए काम कर रहा हूं, और आप विश्वास माने कि 1.5 से 2 महीने केवल हमारा इस प्रैक्टिस सेशन को देखते रहे, सेस हम आपको रेगुलरली जो है वर्ड पार की वीडियोस प्रोवाइड करते रहते हैं, मेरे वर्ड पार के सेशंस देखते रहे, बस कुछ महीनों में आप में वो सुपर कॉन्फिडेंस आएगा, जिसके आधार पे आप इंडिया का कोई भी एग्जाम है आप उसे क्रैक कर सकते हैं, और अमंग द टॉपर्स आप जो अपनी पोजीशन है वो कंफर्म कर सकते हैं। तो आपके लिए इस तरह से जो है मैंने कोर्स डिजाइन किया है, बस आप रेगुलरिटी मेंटेन रखें, चीजों को देखते रहें, कमेंट करते रहें, और वही चीज कि इसको इतना शेयर करें कि बिल्कुल जो टाइमेक्स स्टडी जोन है आपका अपना चैनल, वो बिल्कुल वायरल हो जाए। अब मैंने टाइमेक्स बना दिया, टाइमेक्स में मैं काम कर रहा हूं, लेकिन ये टाइमेक्स स्टडी जोन मैं अपना नहीं मानता, ये टाइमेक्स स्टडी जोन ये आपका है,
और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपका जो ये आपका अपना चैनल है उसको ग्रो कराएं। और समय आएगा कि जब आप सबको मैं इनवाइट करूंगा और एक ग्रैंड पार्टी बनेगी, लेकिन अभी हमें खूब अच्छी तरह से काम करना है और आपकी जो सफलता है उसे आपको पाना है। और जिस दिन आप सफल होंगे उस दिन आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है ही, और उस दिन आपको हम अपनी स्टूडियो में बुलाएंगे और एक ग्रैंड पार्टी आपको देंगे। और जो उस दिन की स्टूडियो होगी वो इलाहाबाद या दिल्ली के जो सबसे ग्रैंड होटल्स होंगे उसमें होगी। बस हमें इंतजार है आपकी सफलता का, वो दिन जिस दिन आप हमें कहें सर आई हैव गॉट सिलेक्शन ऑन दिस पोस्ट, बस आप जब कहेंगे आपके अनुसार वो दिन आपका होगा, आपके अनुसार आपके लिए ग्रैंड पार्टी हम रखते हैं। और आई होप कि बस आने वाले कुछ ही महीनों में वो जो है मोमेंटस ओकेजन आएगा जब हम आपको इनवाइट करते हैं। चले अब हम आगे देखते हैं। तो इस तरह से यहां पे सपोजिंग दैट तो है नहीं, सिर्फ इफ है, तो ये हो जाएगा। चले आगे देखते यहां पे ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और ये आपको पता करना है। चले एबल टू यूज लेफ्ट एंड राइट हैंड इक्वली वेल, जो है दाहिना और बायां हाथ बिल्कुल बराबर ढंग से यूज कर सके। तो ध्यान दे एम्बी माने दोनों होता है और डेक्स्टरस माने निपुण, तो जो दोनों से निपुण हो, तो क्या होता है यानी दोनों हाथों से निपुण हो, तो ये हो जाएगा एम्बी डेक्स्टरस। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा केवल डेक्स्टरस माने होता है, निपुण, एप्ट, एबल, एक्सपर्ट, ये सब सिनोनिम है डेक्स्टरस के। और इसका जो एंटोनिम होता है इनेप्ट यानी भद्दा, ये होते हैं क्लम्सी, खराब, भद्दा, ठीक है, जो अनिपुण, ये है। तो इसके सिनोनिम्स हैं और ये आपके एंटोनिम्स हैं। आप लोग अपने नीड के अकॉर्डिंग आप इसके स्क्रीनशॉट लिया करें, ठीक है। चले अब हम आगे देखते हैं। अच्छा एक चीज और देखें, एम्बीवर्ट, देखो वर्ट मींस होता है टर्म, हम आपको जो वोकैब का सेक्शन है उसमें सब डिटेल में पढ़ाते हैं। तो जो अपनी इच्छाओं को दोनों तरफ मोड़ लेते हैं, जैसे कि एक तो होता है इंट्रोवर्ट, एक वर्ड होता है आपका इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट माने होता है अंतर्मुखी, यानी जो हर बात अपने अंदर ही रखें। एक होता है एक्स्ट्रोवर्ट, एक्स्ट्रो माने बाहर, बहिर्मुखी, जो अपनी बातों को बिल्कुल शेयर कर देते हैं एक्स्ट्रोवर्ट, और जो बातों को शेयर भी करते हैं, बातों को अपने अंदर भी लगते हैं, वो है एम्बीवर्ट। एम्बीवैलेंट, वैलेंट माने होता है वोल्वो से बना इच्छा, एम्बी माने दोनों, तो दोनों तरफ इच्छा हो कि ये काम करे भी ना करे भी, तो एम्बीवैलेंट माने क्या हो जाता है अनडिसाइडेड, यानी जो जिसकी दोनों तरफ इच्छा जाती है कि किसी काम को करें भी और न भी करें, अनडिसाइडेड। आई एम इन एम्बीवैलेंट मूड, आई एम एम्बीवैलेंट अबाउट दिस प्रोजेक्ट, मैं इस प्रोजेक्ट को लेके एम्बीवैलेंट हूं, यानी हम मैं इस प्रोजेक्ट को लेके अनडिसाइडेड हूं कि मैं इस काम को करूं या न करूं। और ये है एम्बिशियस, ये एम्बिशन से बना है। आप जानते हैं एम्बिशन मीन्स क्या होता है, एम्बिशन मीन्स होता है महत्वाकांक्षा, एम्बिशन माने महत्वाकांक्षा होता है, तो एम्बिशियस मीन्स हो गया महत्वाकांक्षी। चले आगे देखते हैं, दिया गया है वन हु हेट्स वुमन, एक व्यक्ति
जो वुमन को, जो औरत को हेट करता हो, तो मैंने आपको बताया ही है कि रूट वर्ड क्या होता है, रूट वर्ड होता है मिसाइन। मिसाइन मीन्स क्या होता है, घृणा करना। मिसाइन मीन्स घृणा करना, और ये रूट वर्ड है और इसी से बना है क्या। और गैमस माने क्या होता है, शादी। गैमस माने शादी, ठीक है, इसी से तो बना है। मोनोगैमी एकल विवाह यानी एक शादी, इसी से बना है। पॉलीगैमी बहुविवाह, पॉलीगैमस बहुविवाह करने वाला, ठीक है। बाईगैमी या बाईगैमस दो विवाह करने वाला, लेकिन यहां पे मिसोगैमिस्ट है तो ये हो गया शादी को घृणा करने वाला, ठीक है। और मिसोगाइनिस्ट माने क्या हो गया, क्योंकि गायने माने स्त्री होता है तो स्त्री को घृणा करने वाला, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। फिलैंथ्रोपिस्ट, तो फिलैंथ्रोप माने मानव होता है, ये रूट वर्ड है फिलैंथ्रोप, ये मानव होता है और इसी से क्या बना, फिलैंथ्रोपिस्ट। और ये है अब एंथ्रोप, एंथ्रोप, एंथ्रोप माने मानव होता है, फिलैंथ्रोप माने तो मानव को प्रेम करने वाला, फिल माने प्रेम करना, ठीक है, इसी से इसका अपोजिट हो जाता है मिस एंथ्रोपिस्ट, मानव को हेट करने वाला मिस एंथ्रोपिस्ट, क्योंकि जो मिसाइन वर्ड है वो घृणा को बताता है। एंथ्रोप माने मानव होता है, फिल माने तो प्रेम करना, तो फिलैंथ्रोपिस्ट माने क्या हो गया कि या फिलैंथ्रोप या फिलैंथ्रोपिस्ट मानव प्रेमी, ठीक है। मिस एंथ्रोप माने क्या हो गया, मिस मतलब घृणा करना, तो मानव को घृणा करने वाला व्यक्ति, जैसे शादी को घृणा करने वाला व्यक्ति, स्त्री को घृणा करने वाला व्यक्ति मानव प्रेमी। और एसेटिक माने होता है साधु जैसा, एसेटिक माने क्या होता है, साधु जैसा, ठीक है। जैसे कि गांधी जी लिव्ड एन एसेटिक लाइफ, गांधी जी एक साधु जैसा जीवन जीते थे। अब हम आगे देखते हैं, अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स। देखिए ना, नॉम रूट वर्ड है, नॉम, नॉम से ही बना है नाम, तो जो नामांकरण पद्धति होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर, नॉम, नॉमेनक्लेचर। अच्छा, इसी से तो बना है एनोनिमस, एनोनिमस माने होता है बेनाम का, अननोन, जैसे एनोनिमस लेटर आपको मिलता है यानी पता ही नहीं ये लेटर कहां से आया है, तो एनोनिमस, ठीक है। तो निम या नॉम माने नाम होता है, एना मतलब पता नहीं कहां से आ गया, निम या नॉम माने नाम होता है, निम या नॉम मतलब होता है नेम, दोनों का मतलब, निम माने भी और नॉम माने भी, तो एना मतलब होता है पता नहीं, विदाउट, तो विदाउट नेम, एनोनिमस लेटर, ठीक है। अब देखें हॉर्टिकल्चर, आप जानते हैं कि जो बागवानी होती है, बागवानी को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, जो बागवानी विज्ञान है ना। मिनिएचर, मिनी मतलब छोटा, तो मिनिएचर माने बहुत ही छोटा रूप, मिनी माने छोटा होता है ना, छोटा रूप। जीनोसाइड माने क्या होता है, नरसंहार, ठीक है। कार्नेज भी इसका सिनोनिम कह सकते हैं आप, कार्नेज, ये सी ए आर एन ए जी ई, तो ये है यानी पूरे जीन को ही समाप्त कर देना, जैसे कि पता चले कि वहां से ईरान से जितने भी आपके पारसी थे उनका जीनोसाइड करा दिया गया, पूरे के पूरे मार दिए गए, जो बचे वो इंडिया आए, कुछ दूसरी जगह पे गए, ये है, ज्यादातर इंडिया आए, तो ये है। तो किसी चीज को नाम देने का जो सिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। आप स्क्रीनशॉट लेते रहें, समझते रहें और पेन और कॉपी के साथ बैठे, क्योंकि जब आप किसी वीडियो को देखते हैं तो एक टीचर जो वास्तव में पढ़ाने वाले टीचर है वो तमाम चीजें वो बोलते हैं, तमाम चीजें लिखते हैं, हटा देते हैं, तो जब आप इन सारी चीजों को करोगे तब निश्चित तौर पे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और आपको जो सेशन है वो बहुत ही यूजफुल होगा। चलिए अब आगे देखते हैं,
देखिए वॉक ओवर अ रेस पैसेज वे इन अ बिल्डिंग, जो है किसी बिल्डिंग में जो रेज पैसेज वे होता है, जो रेज पैसेज वे होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कि वॉक वे। क्या बोलते हैं? वॉक वे। रेज पैसेज जो पैसेज वे होता है किसी बिल्डिंग में, जो ऐसे इस तरह से पैसेज होता है वो वॉक वे बोलते हैं। वॉकआउट, वॉकआउट मतलब बहिर्गमन, जैसे चला जाना, जैसे कि जब आपका पार्लियामेंट में बहिर्गमन, बाहर जाना, गोइंग आउट, गोइंग आउट। जैसे कि कभी जो है सेशन चल रहा होता है और वहां पे जो विपक्ष के नेता हैं वो वॉकआउट कर देते हैं, एक साथ बाहर चले जाते हैं। वॉक अबाउट माने क्या होता है? इधर उधर टहलना। वॉक अबाउट माने क्या होता है? इधर उधर टहलना। ये जो है ये है वॉक ओवर। क्या है? वॉक ओवर। तो वॉक अबाउट माने होता है इधर उधर टहलना, और जो वॉक ओवर है, वॉक ओवर मतलब होता है कि बिना कॉम्पीट के ही जीत जाना। जैसे होता क्या है कि जैसे कोई खेल हो रहा है तो उस खेल में कोई जो खिलाड़ी है वो जो है बीमार पड़ गया, तो जो दूसरा खिलाड़ी है उसको क्या मिल जाता है? उसको वॉकओवर मिल जाता है। उसको क्या मिल जाता है भाई? वॉकओवर मिल जाता है। सो दैट ये है कि बिना खेले ही जीत जाना प्रतिस्पर्धा, तो वॉक वे हो जाएगा। वॉकआउट होता है एक साथ बाहर चले जाते हैं, जो वॉकआउट कर देते हैं। और वॉक अबाउट होता है कि जो है इधर उधर टहलना, घूमना। और वॉकओवर आगे देखो, अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेस, जिसको जो सारे रोग का इलाज है, तो क्या होता है भाई? पैनासिया, रामबाण। पैनासिया, रामबाण। देखिएगा एंटीडोट क्या होता है, इसको बोलते हैं विषहरण। क्या होता है? विषहरण, यानी कि आप में कोई दिक्कत आ गई है, कोई कोई विष आ गया है, तो उसके लिए एंटीडोट दिया जाता है। लेकिन ये भाव के लिए भी होता है, यानी कि जैसे म्यूजिक इज एन एंटीडोट टू टेंशन। एंटीडोट माने हल भी होता है, सलूशन भी होता है, भाव के अर्थ में। जैसे म्यूजिक जो है आपके तनाव का एक हल है, एक सलूशन है, और वैसे विषहरण होता है। दोनों सेंस में एंटीडोट आता है, इसके साथ टू प्रेपोजिशन आता है। अब देखें लैक्सेटिव और पर्गेटिव, ये दोनों एक ही चीज है। जब आपका पेट जाम हो जाता है, पेट साफ नहीं होता है, तो आपको लैक्सेटिव्स दी जाती हैं, पर्गेटिव्स दी जाती हैं, ठीक है, जुलाम क्या ऐसे कुछ बोलते हैं, तो वो जब दिया जाता है तब पेट साफ हो जाता है। तो यही है साफ करने वाला, लैक्सेटिव पर्गेटिव, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। देखिए लैक्सेटिव हमेशा स्टमक के लिए होता है, साफ करने वाला, जबकि पर्गेटिव सबके लिए होता है। जैसे कि आप पोएट्री हैज अ पर्गेटिव इफेक्ट ऑन अस, जो कोई कविता है, जो कोई गाना है, वो हमारे पर एक पर्गेटिव इफेक्ट रखता है, हमें शुद्ध करने वाला प्रभाव, मानसिक रूप से शुद्ध करने वाला प्रभाव। तो जो पर्गेटिव है वो पेट भी साफ कर देगा, शुद्ध कर देगा, और आपके दिमाग को भी साफ कर देगा। लेकिन जो लैक्सेटिव है, जो लैक्सेटिव है वो केवल और केवल, जो लैक्सेटिव है वो केवल और केवल पेट साफ करने के लिए होगा। पर्गेटिव पेट भी साफ करेगा, दिमाग का तनाव भी साफ कर देगा, ये दिमाग के तनाव का हल भी है, ठीक है, तो दिमाग के तनाव को भी साफ कर देगा। तो ये है ये। तो यहाँ पे जो सारे रोगों का जो इलाज है वो है पैनासिया, रामबाण। चलें अब यहां पे
आपको ये फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट में एरर है, ये फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट में एरर है। तो आप जानते हैं कि कुछ जो नाउन होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन माने जाते हैं, जैसे पोएट्री, सीनरी, मशीनरी, स्टेशनरी, एडवाइस, ये जो नाउन है ये अनकाउंटेबल नाउन माने जाते हैं, और सीनरी, फर्नीचर, तो यहां पे इनका कभी प्लूरल नहीं बनता है, ये सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। देखिए पोयम्स हो सकता है, पोयम्स हो सकता है, लेकिन पोएट्रीज नहीं होगा, सो इट विल बी ओनली पोएट्री, इट विल बी ओनली पोएट्री, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, तो बी पोर्शन में एरर है। आगे देखें, द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ आर अवेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट। ध्यान दें, जब फॉर लगा होता है तो वेट के साथ फॉर आता है, और अवेट अकेले होता है, अवेट अकेले होता है, इसके साथ फॉर नहीं करते हैं, इट इज ऑलवेज सिंगुलर। आप किसी का भी लिख सकते हैं इंतजार करने के लिए। तो यहां पर जो एरर है वो क्या है, बी पावर पोर्शन में है, या तो आप फॉर हटाएं, और अगर फॉर लगाना चाहते हैं तो आप लिख देंगे वेटिंग फॉर, वेट के साथ फॉर आता है, अवेट अकेले लिखा जाता है, ये ध्यान देना। चलें, अब देखें, ध्यान देने वाली बात कि कंडीशनल क्लॉज और जो दूसरा क्लॉज है, या मोटे तौर पे आप समझ जाएं कि कंडीशनल क्लॉज कभी फ्यूचर में नहीं होता है, ये आपको कंजक्शन में डिटेल में मैं बताऊंगा कि जो कंडीशनल क्लॉज है वो कभी फ्यूचर नहीं होता है। कंडीशनल क्लॉज में या इफ क्लॉज में, जहां इफ लगा है, अनलेस लगा है, अनटिल लगा है, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, और दूसरे में आप जो है फ्यूचर भी लगा सकते हैं, कैन या मे भी लगा सकते हैं। हाँ, जब ये पास्ट इंडेफिनिट होगा तो इधर जो है कुड या वुड होगा, अगर ये पास्ट परफेक्ट होगा तो इधर जो है सबजंक्टिव पास्ट होगा, इधर आपका सबजंक्टिव पास्ट होगा, तो ये फ्यूचर नहीं होगा, ये क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट इधर कैन, कभी भी अनलेस या इफ वाला या अंटिल वाला जो क्लॉज है वो कभी फ्यूचर के साथ नहीं हो सकता है। तो जगह अनलेस यू स्टडी हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो, यू कैन नॉट पास, तुम पास नहीं हो सकते हो, ये है। आगे देखें, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, अगर थिंक आया है तो कभी भी जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसको कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, एज नहीं आएगा। तो ध्यान दें, थिंक, कंसीडर मानना, एज्यूम मानना, प्रिज्यूम मानना, नेम किसी को नाम देना, इलेक्ट किसी को चुनना, ये सारे वर्ब्स अगर आते हैं तो ऐसे मेक किसी को कुछ बनाना, तो ऐसे में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले जो एज है वो नहीं आएगा। कब आएगा, जब रिगार्ड दिया है तो फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले एज आएगा, जैसे ही रिगार्ड्स मी एज हिज फ्रेंड, वो मुझे अपने मित्र के रूप में मानता है, लेकिन वही रिगार्ड की जगह थिंक कर दिया जाए, रिगार्ड की जगह कंसीडर किया जाए तो नहीं आएगा। जैसे अगर आपने कहा दे नेम्ड हिम एज गांधी, तो ये गलत है, गांधी नहीं रहेगा। आप सिंपली बोलोगे दे नेम्ड हिम गांधी, आप सिंपली बोलोगे दे नेम्ड हिम गांधी। तो इस तरह से चीजें हैं, तो थिंक दिया है तो यहां इससे पहले एज नहीं आएगा। मोटे तौर पे याद रखो कि केवल रिगार्ड होने पे, मेन वर्ब की जगह रिगार्ड होने पे
डायरेक्ट टॉपिक के पहले आया जाता है मानना, लेकिन अगर कंसीडर है, कंसीडर माने नाम मानना, नेम है, इलेक्ट है, अपॉइंट है, मेक है, ये सारी दशाओं में कंसीडर है, अज्यूम है, प्रेज्यूम है, इन सारी दशाओं में जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो क्या का जवाब दे रहा, जो कॉम्प्लीमेंट है, उसके पहले कभी भी एज का प्रयोग नहीं होगा, केवल रिगार्ड के साथ एज का प्रयोग होगा। कई बार फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, चीजों को देखें, अच्छी तरह से पढ़े। चले तो यहां पे एज नहीं होगा, यहां सी पोर्शन मिरर है, यहां पे एज नहीं होगा। आगे देखें, ऑन लास्ट संडे आई मेट माई फ्रेंड एक्सीडेंटली। एक्सीडेंटली शब्द नहीं होता भाई, शब्द क्या होता है, इंसिडेंटली मैं बस ऐसे ही, इंसिडेंटली माना होता ऐसे ही, मतलब जाते वक्त बस हुआ, मुलाकात हो गई, सौभाग्य बस से ऐसे ही, तो एक्सीडेंटली नहीं होता, क्या बोला जाता है, इंसिडेंटली। देखिए मैंने कंजक्शन की बात की, ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए ये बातें आपको बता दी जा रही हैं। तो इंसिडेंटली आप कर लेना, इफ क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज, कंडीशनल मतलब हो गया अनलेस भी लग सकता है, अंटिल भी लग सकता है, टिल भी लग सकता है, कुछ भी आ जाए, ठीक है, या आप टाइम क्लॉज भी कर सकते हैं, यानी व्हेन लग जाए, अंटिल लग जाए, टिल लग जाए, कुछ भी हो, ये और मेन क्लॉज, यानी उसके अलावा जो क्लॉज होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, जिसमें इफ लगा हो, अनलेस लगा हो, व्हेन लगा हो, तो इधर जो है फ्यूचर रहेगा इंडेफिनिट, या फिर कैन, मे, शुड, ये सब हो सकता है। अगर इधर पास्ट इंडेफिनिट है तो इस साइड में वुड, शुड, कुड, ये होगा। अगर ये पास्ट परफेक्ट है तो इस साइड में, अगर ये पास्ट परफेक्ट है तो इस साइड में आपका सबजंक्टिव पास्ट होता है। सबजंक्टिव पास्ट का मतलब होता है कि वुड हैव प्लस वी थ्री, वुड हैव प्लस वी थ्री, जैसे इफ ही हैड वर्क्ड हार्ड। अब आप देख रहे हैं कि ये जो है पास्ट परफेक्ट है, तो हो जाएगा इफ ही हैड वर्क्ड हार्ड, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, He would have passed the exam। ये इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि questions इन्हीं तीनों में से तो बनेंगे ना, तो जब इन्हीं तीनों में से बनेंगे तो आप इनके construction को देख लें, present indefinite तो उधर, future indefinite can या may, past indefinite तो उधर would, should, could, कुछ भी हो जाएगा। past perfect जैसा लिखा गया है तो ये past perfect है, तो इधर subjunctive past would have a work of third form, if he had worked hard he would have passed the exam। तो इस तरह से आज बहुत important session आपने देखा, बहुत कुछ वो सारी चीजें देखी जो आपके exam में आती हैं। I hope कि you must have enjoyed today's session, and again the same thing my request to all of you, because this is your channel, Timex study zone is your channel, so it is your responsibility, it is your moral duty that you share and subscribe this channel. Again, Jai Hind.